Today is the first day of my college life. And after spending almost 6 months, 26 weeks, 182 days at home, finally, I will get to enjoy my college life. Got a light one, yeah. Never not that it a tight one, yeah. No, I keep it 100 every time I come in trouble. No, we coming with the right ones, yeah. 35, can't play, get a bag on ya. Never with the games, put a tag on ya. I ain't getting lit, cause my future too bright. Joey, hit me up, I said it's... कॉलेज तुम्हारी लाइफ की वो कहानी है जिसे तुम कभी नहीं भूलते हो, उन यादों को, उन मेमोरीज को जिंदगी भर के लिए अपने साथ समेट लेते हो। अब उसी लाइफ को जीने के लिए मैं निकल पड़ा था गुजरात से पुणे, एक नए शहर में एक नई कहानी शुरू करने। स्टार्टिंग में क्लासेस ऑनलाइन ज़रूर थे और कोविड के बढ़ते केसेस की तरह ही हमारी कॉलेज के कुछ सुनहरे दिन जूम मीटिंग्स में और लैपटॉप के स्क्रीन के सामने बैठ के बीते जा रहे थे। बट फाइनली आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस आज वो दिन आ गया था जब हमारा कॉलेज भी ऑफलाइन शुरू हो रहा था। My second year and studying artificial intelligence and machine learning. In the end of the last video, I said something. और हमारे कॉलेज ने हमारे पहले दिन ही हमारे वेलकम के लिए एग्जाम्स रख दिया। Can you imagine? ऑनलाइन पढ़ाने के बाद हमें ऑफलाइन एग्जाम्स, वो भी पहले ही दिन कॉलेज के। तो उसी टेस्ट के लिए मैंने थोड़ा मोड़ा पढ़ के लैपटॉप में बैग डाल के मैं निकल पड़ा मैस में नाश्ता करने। Then we had first class of our day, which was Python. It was fun to attend our class offline, but I had trouble focusing, cause online mode में बहुत सारे distractions थे, और हर 5 मिनट में scroll करके देखने की आदत गई कहाँ थी अब तक? Then we had our first offline lab, जो कि BEEE का lab था, and after almost 2 years, I was performing some experiment physically. मजा तो बहुत आया, and I performed the experiment of CRO. अब पूछना मत CRO क्या होता है? CRO मतलब cathode ray oscilloscope. अगर तुम इंजीनियरिंग करने वाले हो या कर रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा, और अगर नहीं करनी है तो क्या ही मतलब है, जान के छोड़ो। तो अब लंच के पहले की तो सारी क्लासेस खत्म हो गई थी, सो वी वेंट बैक टू हॉस्टल एंड हैड आवर लंच। एंड उसके बाद वी वेंट बैक टू कॉलेज अगेन, क्योंकि क्लासेस जाना ज़रूरी है बिकॉज अटेंडेंस 75%। तो हमें जाके पता चला कि हमारी सारी क्लासेस कैंसिल हो गई है, तो वी थॉट व्हाई नॉट टू गो टू द टेरेस, बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट अवर कॉलेज इज इट्स व्यू। मेरी सौ बीमारियों का तू इलाज है, तू ही मेरा बीता वक्त, तू ही आज है। दिन महीने साल कम पड़ेंगे संग तेरे, जिंदगी जो मांगू पूरी क्या ख्याल है। माना गड़ रहा हुआ है तेरी सामने, दिल को मेरे क्या हुआ है तेरे आने से। सारी जिंदगी मेरी है तेरे नाम ही, सिर्फ साल मांगना तो वे तो का सवाल। था वहीं खड़ा, आई तू बन के हवा, महक गया है मेरा जान। नजर ठहर गई, किसी पहर गई, आई जो सामने तू यार। दिन बाहर थी दिन के सबसे अच्छे पार्ट की, कॉलेज वालों के हिसाब से। हमारे लिए तो सबसे खराब पार्ट की, ऑफलाइन एग्जाम केमिस्ट्री की। अब कैन यू इमेजिन, तुम पहले दिन कॉलेज आ रहे हो और तुम्हारी एग्जाम है वो भी ऑफलाइन। Chemistry, like welcome to engineering.
टेस्ट तो अच्छा है क्या? एंड अब कुछ करने को था नहीं तो थोड़ी देर कैंटीन में फ्रेंड के साथ बैठने के बाद वी वेंट बैक टू द हॉस्टल। Yeah man, that's college. You try things you don't know cause it's an opportunity for you to learn something new. And agar tum first year mein ho to you should try exploring new things cause you come after a lot of hard work and jay ke baad waise tumhara padhai karne ka kuch man nahi karta hai. So try out new things cause you don't know tumhe kaun si cheez pasand aane lage and it can be your future. Kyunki wo kehte hai na, tum pehle engineer bante ho aur baad mein kuch aur bante ho. So try exploring new things, make good friends and enjoy your college life to the fullest. Cause life के ये सुनहरे चार साल तुम्हारे पास वापस कभी नहीं आने वाले हैं।